इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो बंदा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक मरतबा दुरूद भेजे और दुरूद भेजने के बाद 400 साल चुप रहे और 400 साल के बाद फिर दुरूद भेजे तो फरिश्ते कहते हैं, ऐ बंदा खुदा, अभी तो हम तेरे पिछले दुरूद का सवाब लिख रहे हैं। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ो। अरबाबे आज़ाद मिसावे आले मोहम्मद की तरह है, दीन इस्लाम को बचाने के लिए जो आले मोहम्मद ने मसाइब उठाए उस तनाजर में वसीउल मतालिया शख्सियत को मुनफरद अंदाज में मसाइब पेश करते हुए जो बैन अलावामी शोहर याफ्ता हैं, इनकी तशरीफ अवली पर हम इहतरामात पेश करते हैं। आले नबी, औलाद अली, मंबा मार्फत, वाकफे रमूज व हकीकत, मेरे मसलक का अजीम हाथ, मेरे मसलक का फख्र, सादात के दरशिंदा सितारे दरबार हुसैनियत में हाजिरी लगवाने के लिए तशरीफ लाते हैं। जाकिर अहले बैत, मुसव्वर गम, जाकर सैयद इकबाल हुसैन शाह बजार, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनका और भी इकबाल बुलंद करे। और इनके बाद जाकर अब्बास हजार झंडवी खिताब फरमाएंगे। तमाम उलमाए किराम और साथी तशरीफ ला चुके हैं। हम आले मोहम्मद के सलाह करते हैं, सुबह शाम दर के गदा करते हैं, लोगों जब देखते अपने मशेख कर सफेर तनी भैनों को दुआ करते हैं। मेहनत इंसराम अजीम इंतमाम इस मुकदस मसाई की कबूलियत अपनी अपनी हाजात इस्तेजाबत बानियान सदा तो जाम दे वो शाहते रिज्क दिखा तो सलवा दूर करीब तू जितने अहबाब शामिल जिक्र जड़ियाँ जोड़ी औलाद तू किसी किसी अन्न की बराबरी दिखाते जितने अहबाए अहबाए मरीज बैठे ने उन्हें सेहत याबी दिखाते रिप सलवा छड़ के चले गए साढ़े प्यारे कबर मोहताज ने हर वक्त सा हवाले नाबादा कुसों जिंदा तो इन अलम शामिल फरमाओ अपने अपने मरहूमीन शहदाए मिशन बानियान सादात रज़ान दे खानदान दे जितने मरहूमीन चले गए तमाम दे बुलंदी दरजाते दरूद हदीयतन बुलंदा मरीज ने सारे साहबान अमीन आप सो मालिक ने शिफाता कब्र तन्हाई है, मौत यकीनी है, जिंदगी मशकूक है, माशर आर्जी जहां ने यह साया अगला हो या ना हो कब्र दिया तन्हाइया का सामान आखरत ज़ादेरा इस दुनिया को मोमिन दो जगत मिल सकता
या कबर का सामान मोमिन मुसलत मिलेगा या मजलिस शबी बहुत मेहरबानी बहुत मुकदस लम्हात समेट हुए अपनी जिंदगी को इतने बैठ के मंगी दुआ यकीन कबूल हुई बल्कि मासूम फरमाइंदे ने 40 मोमिन अगर दुआ पीछे अमीना करेंगे शामिल होंगे उन्होंने कबूलीयत की जमानत लंबी दुआ ने आखिरी अहम दुआ हर शिया मोमिन दिल की सदा दुखों इस दौर की सबसे बड़ी दवा परेशानियों इस दौर की सबसे बड़ी पनागा मिल के वाजिबन एक सलवात इमाम जमाना दिया أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله बुजुर्गान सादात उजाम बहुत काबिल एहतराम मेरे शमशिया सरदान मुसलमान दे तिहत्तर फिरके चू कोई ऐसा फिरके का पैरोकार मुसलमान नहीं जिसका दिल हो गई कलमा रसूल न पढ़ के मैं जहन्नम चला हर मुसलमान की तबदो मेहनत कावश मुहरमात इतना वाजबात की मजावरी हकूकुल्ला हकूक लिबा का ख्याल सिर्फ और सिर्फ जन्नत बल्कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा साढ़े फिरके बढ़न की वजह भी जन्नत जिसमें यकीन है शिया जनती ने शिया बन गया जिसमें यकीन है सुनी जनती ने वो सुनी पोशीदा जन्नत भी शिया भाई तरावी नहीं पढ़ते सिर्फ इस वास्ते कि तरावी पढ़िया से जहन्नम न चले गए सुन्नी भाई मातम नहीं करते सिर्फ इस वास्ते कि मातम कीतिया से जहन्नम न चले इहदा मतलब है मकसद साडा जन्नत है असीं फिरके जुदा कीते ने साडी मंजिल दित्ती कोई शिया बने जन्नत की खातर कोई सुन्नी हो जन्नत की खातर ऐले हदीस होए जन्नत की खातर देवबंद बने जन्नत की खातर बरेलवी बने जन्नत की खातर चकरानवी बने जन्नत की खातर कोई ग्यारहवीं आला है तां जन्नत वास्ते कोई बारहवीं आला है तां जन्नत वास्ते कोई तेरहवीं आला है जन्नत इहदा मतलब है साडियां रावां जुदा ने साडे मसलक जुदा ने साडे मजहब और फिरके जुदा ने साडी मंजिल की
जिसका नाम है मिसाल दे रहे हैं, मिसालों की हकीकत करीब करने वास्ते। मिसाल के तौर पर अगर असि सारे मुसलमान सुन्नी शिया 73 फिरका जन्नत चले जाइए, उत्थे भी तो असं कठिया रहना। एक दर तक तवज्जो करें, अगर असी सारे उतरावी वाले माधम वाले शिया सारे जन्नती हो गए, आमिना दे लाल का सदका असं सारे जन्नत चले गए, उत्थे तो असं कठिया रहने। तो फिर एक मशवरा है मेरा भाई यार, छोड़ो जे जन्नत जाके कट्ठे आंदे हो, इत्थे कट्ठे हो के जन्नत क्यों नहीं बना लैंदे। उत्थे तो फिर जन्नत अपनी हवेली च दीवार बना ली दी, भाई भाई नाल गुजारा नहीं करता, बड़े कोई का उधार लैके कम चल रहा, अपनी हवेली चुकंद बना सकते हैं, किसी की हवेली च नहीं। जन्नत तेरे प्यो की मलकीयत नहीं, चुकंद बना तू जन्नत के मालिक नहीं बना, उत्थे तो चुकंद नहीं, उत्थे तू कट्ठे रहना रहना, जो उत्थे जाके कट्ठे होने तो इतने कट्ठे हो जाओ, जन्नत ही बन गई। जन्नत प्यार है, जन्नत सुकून है, जन्नत इत्तेफाक है, नफरत का ना जन्नत नहीं। अगर इतने एक दूसरे नाल प्यार और मोहब्बत करो सुनी शिया भाई, तो इतनी जन्नत का माहौल बन गया। और मेरी दुआ है सारे मुसलमान जन्नत चले जाओ। लेकिन मैं जन्नत जाने वाला कुछ सवाल करना चाहूंगा, हथ बंद के जाओ, खोल के जाओ, 10 मिनट पहले रोजा छोड़ के जाओ, बाद ही जाओ, तरावी पढ़ के जाओ, मातम करके जाओ, 11वीं वाले मन के जाओ, 12वीं वाले मन के जाओ, टोपी पा के जाओ, सलवार छोटी पा के जाओ, जाओ जन्नत जाओ। लेकिन जन्नत जाने से पहले एक बहुत छोटा जो सवाल है, कलमा रसूल का पढ़ के कबर में निगाह च रख के अल्लाह हाजर नाजर जान के जरा अपने समीर को पूछी हाँ, दौड़ा जन्नत दिया लाने वाले जिथे जाना चाहना है वो जन्नत मलकीयत की सदी है। जिन्हें बंदा ने जेन इश्तिबा है जो जन्नत अल्लाह पाक की है, मालिक की कुल है, उसकी कुली मलकियत तो इनकार नहीं, लेकिन अल्लाह पाक जन्नत बेच दी, खरीदने वाले खरीद लीए, उस मुफ्त दिती नहीं, उन्हें कभी मुफ्त लई नहीं, उन्हें गिण के कीमत दिती है, उस आदल तोल के कीमत इंतकाल करा लिया मालिका ने, बैनामा पटवारी के रजिस्टर च नहीं लिखवाया, इंतकाल कुरान की आयत च लिखवाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अन्फुसहुम व अमवालहुम बे अन्ना लहुमुल जन्ना। अल्लाह प्यादा मैंने मोमिनीन से जान और माल ले लिए, इसके बदले उनको जन्नत बेच दी। पुत्र की शादी है, प्लाट है, खाली पे है दरवाजे की, थोड़ा दिल टेंट ला के फंक्शन कर लिया, तुम मालक को गए जी टेंट लाने ना इस दिन वास्ते इजाजत है, उन्होंने आखिया जी मैंने तो कोई इतराज नहीं, मैं परसों बेचा जी प्लाट, फिर ला ली उन्हें आना जी, हूं मेरी मलकीयत ही नहीं, हूं जिन्हों का है उन्होंने को जिन्ना बंद शक है ना जी जन्नत अल्लाह पाक दी, अल्लाह ला की त्या मैं आयत पढ़ दी जी, अल्लाह ने वेच दी, राबता मालका नाल करना, किन्ना के वेची है हसन हुसैन के, एक बंदे मेरे इतराज किया जी आयत हसन हुसैन का ना ही कोई नहीं, अल्लाह जिन्ना के बेची हो मोमिनीन ने, इन अल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह जन्ना का सौदा किया मोमना ना, मैं क्या फिर हो सके सारे मोमन ने जेड़े जेड़े ईमान ले आए,
हालात ऐसे ने हर गल और यहां नहीं मिली इशारे ने कुछ बाबे मदीना तुले लो में मनन आ गए जेड़े जेड़े जी तुम समझ आ गए जेड़े जेड़े ईमान ले आए जाना और माल उन्होंने दे दीतिया ने अल्लाह उन्होंने जन्नत दे दी। मैं कह जी फिर मेरा इको सवाल है वह जरा जवाब दे दियो जे सारे की जन्नत मलकीयत का हिस्सा आई ते मालक नूं घर बह के मुतमईन रहना चाहिए फिर अली दे पुत्रां के कापिया रख के क्यों आते रहे नहीं कदे हो जाने जन्नत के तू लैनी है डर माल इमरान दे चंदा आसे पासे तुरिया फिरदा कच्चा है तू करदा तेनू सीधी राह मैं दसी तू गल मेरी नहीं मानता वेखी साडा बार मार के नासा तेरिया भरदा मालकां खरीद ली। एक मैं अकली दलील दी जन्नत खरीदी हसन हुसैन ने अकली दलील ताकि कोई बंदा इतराज ना करे अगर कुछ तिबाह है तो मुतमईन होकर उठे मजलस इत्मीनान का नाम है शक का नाम मजलस मैं इत्मीनान वास्ते एक दलील दे दी पंचायत पढ़िया बैठे सुनिशिया भाई बैठे ने अल्लाह कीमत की ली है जी दो चीजा अन्न खोसा हो व अमवाला हो कीमत ली है दो चीजा दिती एक चीज बे अन्ना लाहमुल जन्ना बेची जन्नत खरीदिया दो चीजा ये जन्नत की जन्नत है पाक तो पाकीजा की समझते हो सुबह पाक होती है ना उसके लाते शामी जन्नत पाक शाक नहीं बनती जन्नत हो जी चौबी घंटे पाक असल से लैके अब तक पाक जे जन्नत पाक है ना तो फिर खरीदार वो बनाने में हजार का नोट जनाब लै जो दुकानदार को ना कुछ गोल्ड लीफ डबी कही जाने जी चुके दे अगर हो भी तो कोशिश करनी अवॉइड करनी ये छोटा नोट जो को यार है ही कोई मेहरबानी करें उस पांच सात बारी नोट में परता के वे हमें पड़ता के वे हमें कार शार ठीक है। मेरा सवाल है पंचायत बैठी भरिया बैठी सुनिशिया भाई बैठी इस नोट खड़काया क्यों मैं सच के हूं सिर्फ इस वास्ते गोल्ड लीफ एक नंबर है नोट दो नंबर ना हो जिस 150 की डब्बी देनी है उन्होंने बड़ा गया दे कीमत एक नंबर ले ला जिस जन्नत पाक का सौदा किया के समझने वो उन्होंने सौदा करता रहे जिन्हों जाना भी पलीत हैं जिन्हों के माल भी पलीत नहीं तो मैं हदीस मुस्तफा पढ़ देना पाक रसूल फरमा रहे अल्लाह हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्नत रसूल फरमा रहे मेरे आखे लगे अल्लाह नु मनी ना मैं मोहम्मद प्याना जन्नत के मालक और वारस हसन हुसैन अबू हुमा अफजल मिन हुमा और उन्होंने बाबा उन्होंने भी सरदार मलकियत जन्नत हसन हुसैन क्योंकि फिर बंदे शॉर्टकट तलाश करते हैं सभी फिर पाकिस्तानियों की नेचर ही शॉर्टकट जी ठीक है मान लिया कोई अले बैद ऐसे मुनकर नहीं हसन हुसैन जैसे कोई मुनकर नहीं ऐसे भी मनने ना लिया लेकिन हसन हुसैन तो अल्लाह बटे ही नहीं ये कोई शक नहीं अल्लाह तो सारे तो बटे ये तो मतलब यह नहीं अल्लाह जो मलकियत ही मुकी देना अल्लाह मालिक कुल जरा अल्लाह नाल बर्तन ठीक रख ले वो भी जन्नत में अल्लाह ने अगर अन्नम जान दिया कोई तुम समझ आ रही मैं गुजारिश करा जमीन एक सियारा है
جس وجہ سے آباد ہے گول. اگر سیٹلائٹ کو اس میں لکھو تو زمین کی سیارہ 70% اتنے پانی ہے, 3% اتنے او زمین. اس جیسے کئی سیارے نے اس جدا اسی زمین کے چھوٹے جے سیارے کے مخلوق ہیں. یہ جا 3% خشکی اس اتنے ساڑھے تقریباً 350 کنٹری ملک آباد. یہ زمین سیارہ بھی اللہ کا ہے, کائنات بھی اللہ کی, یہ 350 ملک بھی ملکی ہے اللہ کی. کامن سینس میرا سوال ہے, یہ کائنات ہی اللہ کی ہے, یہ ملک اپنی اپنی باؤنڈری کیوں بنا؟ اگر نقشے تو ویکو جی پاکستان کی اپنی سرحد ہے, نال انڈیا افغانستان ہے, ایران ہے, چائنا ہے, ساری زمین یار اللہ کی ہے, کون ہے؟ کی مولوی صاحب آ کر جی کائنات اللہ کی, اللہ اللہ کرتا بندہ بھی جنگ ٹر جاتا ہے, مان لیا ٹھیک ہے, ہوں صبح اٹھنا اللہ اللہ کرتا انڈیا بڑھ رہا بولی بولی. تیرے لیے تو صرف اللہ ہی کافی ہے, اللہ اللہ کرتا انہیں یا پیر مارنا یا جیلے جیلے انہوں نے یار سیارہ اللہ دے زمین اللہ دی ہے میں آپ اللہ تھی مین کیوں مان دے میں نہیں آ سکتا انڈیا نہیں اللہ دا انہوں نے رام رام کرتا یا اللہ اللہ کرتا آونا ساڈا ویزا لے کے ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل قانون قانون ہے کائنات اللہ دی ہے زمین اللہ دی ہے ایس ملک دا بندہ اس ملک جان واسطے ویزا بھی لے انہوں نے پرمیشن اتنے رہنے واسطے کرنسی انہوں نے خرچہ کرنا اپنے ملک دی کرنسی کم نہیں آتی مکدی ہے میری مجلس. میرا سوال ہے اہالیہ نے برے والا گرد و نواح تو آئے میرے سنی شیعہ بھائی مسلمان میری نبی پاک دی امت یہ جنت ملکیت علی دے پتراں دی یہ سیدہ جنت دا ویزا کی رکھے ہے اتنے کرنسی کیڑی چل دی بیان میرا کہنا میرے والد جنت دے انٹری پرمٹ ویزے دا نام ہے محبت دے اہل بیت. میں ٹھیک آخیا جی میں گھنٹہ پڑھا تو یہ نہیں جنت دے ویزے دا نام ہے محبت دے اہل بیت آل محمد محبت جنت اتھے پھر کرنسی دا نام ہے نماز. ہوں بولو تو نکلے گلا سبحان اللہ اتنے جی کرنسی ہے اس کا نام ہے اوکھے سوکھے ایک بار بول دیو جنت جی کرنسی چلے گی اس کا نام دس سال ہو گئے تقریباً میں نے برطانیہ جانے اور داخل بھی جا رہے ہیں لیکن ذاکری بھی چکے نہیں پہلے میں گئے اس جلسے سے ہوں بھی ریسنٹلی ہوئے 3 جولائی میں وہ آرگنائز کرتے ہیں سارے پاکستانی نے ناسا کیا ہم سب پہلی بار انہوں نے 9-10 سال پہلے کام کیا شاہ جی پڑھ دیں گے میں کہیں مجھ سے پڑھنا کتنے جی انہوں نے کہ میں انگلینڈ تو بول رہا ہوں برطانیہ کو ساڈے پنڈ کے بندے ڈنگیاں لگ کے جانے ہیں میں کہ واہ رسول اللہ پتر تو کہ بادشاہ قسم خدا میرے اندر کی فیلنگ پوری چلن میں دس میں کہ جی میں پڑھ دینا انہوں نے کہا جی میں کتنے جانا کیوں انہوں نے کہا جی پاسپورٹ بنے تھے میں کہ بنے انہوں نے کہا کافی بھیج دیو ویزا ساری طرفوں سپانسر اسی بھیجیں گے ٹکٹ اسی بھیجیں گے نیاز شاہ بھیج دیں گے میں نے نیاز شاہ بھول گئی میں کہ تھی ٹکٹ دیو میں وہ جناب ویزا لگ گیا ٹکٹ آ گئی انہوں نے کہا جی 15 دن بعد تھی تاری فلائٹ آ گئی وہ جڑے 15 دن پہلے میں انگلینڈ جان تو پاکستان پہ آنا ذہنی طور پہ میں انگلینڈ گئی میں پھر گرمی شرمی لگنے لگ گئی مکھیاں مچھر ٹیسٹ میں محسوس ہونے لگ گئی پولوشن اتنے ہو گیا بجلی کا نہیں یعنی مائنڈ میں نہیں انگلینڈ اپنے آپ محسوس وہ پھر میں سوچا کوئی کرنسی لے گیا اتنے خرچہ پانی کر لینا 5-5 ہزار 200 نوے نوٹ آ رہے میں جناب واہ کٹھے کر لینا
किसी मन सियाने दसिया थोड़े जो सरकार शाह फड़िया जाता एयरपोर्ट तू 10,000 तो ज्यादा नहीं जान दें मैं तेनों भी पाकिस्तानी अलायन आया 20-25,000 उस पैगी 30-40 उस कोई उतनी जेल नहीं हुई और मैं लै गया मैं सच्ची था इथरो एयरपोर्ट उतरे मैं जनाब मैं समझा मैं उन्हें इंग्लैंड आ गया जहाज तू निकल रहे थी आई जब मैं निकला उन्होंने कहा खलो इतना आए पक्ष उन्होंने क्या पासपोर्ट बता मैं क्या की करना जो मैं कैसे अपना वीजा चेक करना हूं पता लगे इंग्लैंड वाले चेक करते हैं पुले शराब से अल्लाह ने अली क्यों बिठाया शराब तू मां पुत्र ही को नहीं जमे जरा पार लग जाए जब तक इमरान का पुत्र अली उसने की बटना कस्टम क्लियर हो गया बिना बॉर्डर में करा सा अगे लगे समान जी तू नहीं हूं मैं माइंडली फ्रेश इंग्लैंडियों चुका मैं समान लिया मैं नोट शोट कटे मैं क्या पानी चाणी दी 5,000 का नोट कटे मैं कारमन शार पी मैं खेल एक बोतल दे दियो पानी की बकाया दिया उन्हें कह के मैं कह जी पैसे उन्हें कहते तो नहीं लगे मैं कह जी 2 नंबर उन्हें कह जी कोई पता नहीं मैं कह जी मैं बैंक च लैके चेक कर लो ओरिजिनल एक नंबर में बताया दे दू पानी दे दू उन्हें आख्या बिल्कुल इतने लगते नहीं मैं क्या ये कितने लगते उन्होंने कहा जितों आए हैं हम खुदा करे मेरा बंदा आके ना कोई मेरी समझ आई उस फिर कड़क खुदा भी जाया करेंगे मैं कहता सलीस करके समझा रहा बच्चा भी समझ चुके मैं कह जी इतने की चलते उन्हें आखिया जी साड़ी अपनी करंसी मैं कह थोड़ी कहीं नहीं बनी उन्हें आखिया कागज भी मैं दिखा सकते हो 20 पाउंड का नोट उन्होंने मार्केट की सबसे ज्यादा सर्च 20 पाउंड का नोट उन्हें कटिया मैं इन बैठा मैं भी उन्होंने 5,000 मैं मेचा भी लाया मैं वेखा एक जी ने एक कागज भी दोवे कागज के बने ने जिसते भी एको जे ने दोवे करंसी ने यह मेरा तुम रिजेक्ट क्यों किया उन्हें आख्या जे एको जे दिसते ने एको जे नहीं एको जे मैं फिर इन्होंने हल उन्होंने कोई हल नहीं जितों आया उतरे खोल इतने नहीं उचल दिल दुखाने वास्ते मैं नहीं आया हक पहुंचा एक बार मेहरबानी करो जरा डीपली सोचो कबर तनहाई है माशा सख्त है जिंदगी मशकूक है मौत यकीनी है मैदान माशा अगर सहारा है तो सिर्फ आमिना दिला देना कबरी तो सखी औलाद भी कम नहीं आएगी माशा इस नफसा नसीब आलम होगा अपनी कीती उत्ते कमाई आएगी पुत्र प्यो नू हक नहीं पा सकता धी मां का हेल्प नहीं कर सकती जिथे औलाद कम नहीं आ रही मुला कि बग दी मुड़ी इमाम हुसैन की मजद सी बह के रसूल का वास्ते यह फैसला कर लिया छोड़ यार जिंदगी चौकी गुजर की थोड़ी रहेगी जिद लैके उठेगा शबीर की मजद सी अकल मन वास्ते सुने आंदा मैं तेन सुने देना है हो सकता है तेरी आखिरी हो मेरी आखिरी हो अज अपनी कबर का फैसला कर तेरे मुल्क की करंसी यूके लंदन आले कबूल नहीं करते जाना अली दे पुत्रां दे मुल्क के करंसी अबू हुरैरा नहीं चाहिए हैं चारों पत्थर मक्का में जो छुप नहीं सकते गारों में तुम तीनों को पत्थर मारते हो उन लाखों और हजारों में एक पत्थर काले रंग का है वो काबे में ही रहता है तुम उसको बोसे देते हो फिर किस मुंह से कहते हो इन फर्क नहीं है चारों में मेहरबानी करना जरा सोच लेना जिस मुल्क जाइए करंसी उसको
मैं उसे बड़ा भी वाला जाकरा भेजे हुआ उन्होंने नजर इसमें की रानी खान है तो तू अपने घर रसूल के पुत्रां के चुकी है। मैं उसके बाद जदन में गया करंसी इतनी लैनी फिर भी मैं गया इतना ही नोट चेंज करा के मैं क्या उन्होंने उसे लेने के बेहतरीन का मतलब है पहली बारी बंदा बोलना शुरू है जरा दूजी बारी बोले फिर हो भी आप ही चवल होगा बोल कुछ गए ना तो मेहरबानी कर लिया मैं जी तीन दस दिखा जिस मुल्क जाइए करंसी उतनी दी लैके जाना तू की समझे सही ना आदत दी सना ना मजलों से चलो जी बड़ी नहीं 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 मेरे भाई तू समझ लिया मजलों की अफादियात की है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीला साड़ी आदत नहीं ये रसूल के पुत्र का मोबाइल ऑफिस है जरा तेरे आज अच्छे खुल है कल शहर खुल जाएगा दूजी गली तीसरे महल छह मजलों का इलाज होने रखकर करेगा निकी पे मेंबर करेगा उत्थे उत्थे ये भूल कुछ गए ना ते आ जा इमाम हुसैन का ये ऑफिस है अगर चंग है जन्नत में उतो की करंसी ले जाऊं पिछली चेंज करानी है तो आके चेंज करा लेना इतनी करंसी चेंज है और कराई नहीं करंसी चेंज जी कराई उस करंसी तेरे फिर क्या नाल बहस नहीं तेरे मदद नाल बहस नहीं तेरी अकल नाल बहस अगर तेरा जमीर मंद है जन्नत मुल्क हसन हुसैन है बंदा कोई नहीं जा सकता जिन्ना तो ही रंग तो फिर मेहरबानी करना अपने जमीर को पूछ माफ करना जी मैं थोड़ी इस्लाह वास्ते भी मुलाकात कर लगा हिट करने वास्ते भी जे इमाम हसन इमाम हुसैन इंज पढ़ते हैं इंज नहीं पढ़ते सही तो खुदा दा ही इंज पढ़ते रहे इंज नहीं पढ़ते इंज पढ़ते रहे रख अपने मौलवी के सिर से कुरान अगर मैं शिया गल करा मेरे किन्नी बड़ी रख मौलवी के सिर से कुरान हसन हुसैन हथ कि रख दिया मेरा जियो जी फिर पढ़ते रहे वो जी लाया जाता कि जिन्हें तो मुल्क जाने कम अज कम करंसी से तेरी मैच करे ना अगर बंदे दीन आले मोहम्मद के बाद औलाद मोहम्मद को लेंदे तो फिर अली दियां धीयां बाल इसे दीन नु बचांदे बचांदे अली दे पुत्र भी रुल गए अली दियां धीयां मैं काफी पढ़ मेरे टाइम में इतना वक्त बच चुके मेरे 12 साल 6 महीने का सफर करके आई है पुत्रा नु रोना है ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਹੀ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਰੋਣ ਚ ਮਾਰੇ ਨਕਸ਼ੀਆਤ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਪੜਿਆ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਆਸੂ ਪਲਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਮਰਦ ਉੱਠਾ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰੋਣਾ ਮਰਦ ਦੇ ਆਸੂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ जब तक सच नहीं लगती मरदा इतना पल्ला क्या ले मुहम्मदा मैं गल की थी तेरी अखा मस बोले कसम खुदा दी ये जाकिर का कमाल नहीं तेरा कमाल नहीं ये रोना हसरत उस बहन की मेरी बजाव दी लाशा की चुप मैं सोची उन्हें तो इजाजत ही ना रो दी तुझे तो बहन करके रोना चाहिए मरदा कोई नहीं रुकता कोई नहीं ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੌ ਹਿਰਾ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਤੇ ਨਵੈਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਵੇਖੀ ਆ ਨੌ ਸੱਚੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌ ਕੀ ਕੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਰੋ ਤੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਸਮਝ ਉਸ ਬਹਿਣ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਈ ਅਮਾ ਦੀ ਗਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹਿਣ पर मैं ठीक है सजा से कोई काम नहीं फिर जल्द पता लगे ने कि कमेंट करना है बुरे आया यार फिर बाल दिया उठाने का हमारा इंतजार किया साहिबान मताते लिख लेने कुछ खलोते हैं उठा तो जाए और इतनी उलमा तशबी दी आलिया इन झनी है जिमें अब्बास
लेकिन फर्क ही अब्बास जाने के बाजू कोई ना नाली की नहीं जानी है दूध भी हाथ बदले सजा छोड़े नंबर थोड़ो जो जल्दी कर रहे हो पुत्र अली पुत्र की लाश थे विरा अली विरा की लाश थे वारिस अली वारिस लाश अली की वलियत ही दुर्दी उठे ही उठे मोहे नबूवत सवार नौ टुकड़े उठे मेरी सहन हैरान होकर बिरा पर मैं हुसैन जो फिरौन का वक्त निकल नहीं फिरौन दे तो सदियां की कबर भी रोन पसंद मेरी अपनी किस्मत रोण वाले रोंद रहेंगे हुसैन कुछ तो लखियां तो तेरे को आंदे पे सारे रस्ते में सोच लिया नहीं बैन इक्के लाश बहाकर मैं बैन करना थी मैं करीमा मानती थी ना मैं आदत प्यो की बेटी है ना हुसैन मैं तेरा बैन करा अब्बास न छोड़ दिया मैं अली अकबर का बैन करा अली कासम ना मैं तुझे मेरे अपने हो बनो हाशम हो सादा तो मेरा कौन हो मेरा खानदान हो अज थोड़े नाल झुका हक उन्होंने बनता जो लगते भी कुछ नहीं तो जानों ना कुर्बानता उनका हक है ज्यादा जान का हक है हबीब का हक है बुरैल का हक है कैस का हक है मैं मनु सोची पई हाँ दस ना मैं मैंने की इम्तिहान का आखिरी औखा परचे ही मैं जैन बताऊ फिर आए इमाम जिन्ने तू शहीद दस ना मैं कि करा टप्पिया रगत चला गई अम्मा दी जाई इको कर रही थे फिर मिन्नत प्या कर दी ना मेरा करी ना अब्बास का ना अकबर का ना कासम का ना जौन का ना सईद का ना हुर का ना हबीब का ते किदा वैन करा फरमा ओ नौ मीलों तो बाहर एक बेवारस जोड़ी दी लाल बिला मिन्नत प्या कर दई एक वैन आन का कर या मोहम्मद का कर मैं भी राजी हाँ नावे हुसैन हाजरा नहीं मैं जैनब असि सैयद सदके ना तो नहीं लो कुछ मैं तेरा सदका बोलो अपनी मर्जी का बैन बस की याद जो मैं कोई बहन इस जुमले को दर्द समझेगी गहराई समझेगी उसी मर्द नहीं समझोगी पर मैं मर्जी का बहन बस शहीद आजम की वाजी की अपनी मर्जी का करना रो कभी कभी बहन दी मर्जियां भी मुक्त हो सालों के कोई रोण को मर्जी होते कोई सजाद का बाबा मैं करना एक ही है दूजा नहीं करेंगे क्यों पर मैं मेरे सजाद वादा करूँ मैं अपनी मुकाई तेरी नस्ल बता रहा हूँ अगर मुझे मेरे सजाद को बहुत मार एक बहन एक मर्जी का दस पर मैं मर्जी कही फिर मर्जी मेरे को कुछ नहीं मिली बहन की फितरत फिरा नहीं मरे मजदूर जज मर जाए दिहाड़ी लादा गरीब फिरा मर जाता है बहन की मैयत भी खलो के बहन करके दी बंदे मेरा बादशाह मर गया लोगों मेरा शहन शाह फिरा मर गया पर मैं कैनात का सुल्तान आखना मेरा जन्नत है नवाब हुसैन कड़िया वाले हाथ सामने करके दी एक बारी वेख नवाबा दियां बहनां जिवें मैं तेरी लाश ते पते हथां नाल आईआं आयो मेरा पुत्रा मोयो हुसैन आयो मेरा फिरावा मोयो आयो मेरा इबरत दा पुत्ता फिर उठी नहीं उठाई गई पूरी नहीं वक्त थोड़ा मैं तफसील करता बहन बिरा के जनाजे तुकी में जुगा पांच बहन उनके बिरा भी अल्लाह ना करे पंजा का इको ना मर जाए जे तो जनाजे का वास्ते मेरे जो जनाजा लग जाए मेरे सुनी भाई बोल हम पंजा बहन को बिरा का जनाजा सौखा नहीं घंटा घंटे जनाजे नहीं देख लगे बंदे जनाजे का ही गल करते यार चार बजे डाल के पांच बजा दिते ने की पे करते ने जनाजा लिया भी और फिर नाल दस यार थोड़ा जा सबर कर लो पो ही जनाजा चाण गए उन्होंने वेड़े के अमृत आई है थोड़ी थोड़ा जा रो लैन दे पंजा दिन अच्छा अच्छा पंजा का एक ही है रो लैन तू मुसलमान है मैं सैयद आ लिया कुरान रख
मेरे सर से बेड़े में जनाजा भैन को लैन औखा हों असी रोने नौ फेराव के जनाजे पे आते भैं शाम को यह कभी वखर बह के सोची हाँ कि गई होंगे फेराव कि इस इलाके आए नबी दियां मार मार के कोई मजदूर नहीं उठी जब तक उन्होंने लिबास के रंग तब्दील नहीं बहन की फितरत अल्लाह बहन का भी नशा बना दिता है बहन बिरा के कातल देख नहीं सकती कातल अगे हथ नहीं करेगी मरदी मर देगी बिरा के कातल को कुछ है नहीं मिलेगी बल्कि एक पासे मौत हो एक पासे बिरा का कातल होन मौत अलमो करके टूट जाएगी मरना कबूल कर लेगी बिरा के कातल को कुछ है नहीं मिलेगी साढ़े जिला गुजरात का एक पास है कतल हो गए रात के अंधेरे च बंदा बेजरब इंसान आई शरीफ हाथ में आई दुश्मनी उसकी किसी नाल आई इलाका परेशान इसमें मारिया किसी को लेकिन कोई कातल भी उत्सुक नहीं कर रही कुल वाले दिन भी कुड़ी से बैठे तो बंदे आ गए इलाके के शरफा नाल लैके दुनिया बहन लैके उन्हें आखिया जी पहले दिन ही आ जाना जी थोड़ा जख्म इतना गहरा है असं खुद अवॉइड किया अज आए हैं गल सारी पहले बहुत नाल सुन लैनी फिर जो थोड़ा दिल आ उन्हें आखिया जी कौन पूछिए उन्हें आखिया जी असली कातल मरी गया साढ़े को गलती साड़ी थोड़ी दुश्मनी कोई नहीं असं बैरा बंद असी मारना कोई हो रही अंधेरे च लेखे नाले मरी गए गुना बहुत बड़ा हो गया मुझे ना असं पूरा खानदान लाए हैं धीं भी असं लाए हैं पुत्र भी चुन के साडा मारना भी दिमाग असं खाली तो जे मेहरबानी कर दो रसूल तरीके सन माफ कर वो नहीं रहा रहना साडा भी कोई जरा मारना जो शब्द को असं मन तैयार हाँ बेटिया के रिश्ते आपको अं दे तैयार जमीन जायदाद आपको बंदे भी शरीफ थोड़े जो सियाने पे उन्होंने आख्या यार गलती मैं जवाकी हो गई है तो फिर हुईया को नहीं गलना जे ना दसते थे कि तुर के आ गए ने घर आ गए ने माफी मंगने आए हैं कुछ मेहरबानी करो लचक पैदा करो तीन चार घंटे की बहस के बाद अखीर बंदे बच्चे पै के उन्हें आखिया जी एक बेटी का रिश्ता दे दौ इतने जमीन दे दौ ए शर्त असी ला उन्हें आखिया जी मंजूर सुलो लखी लगती जिथे बैठे हाँ दीवार तो पार हवेली चू एक मस्तूर का वैन आया एडा औखा तो डाढ़ा वैन आई बंदे गल करते चुका असर हो गया सारे छेवें बादशाह फरमाते ने जी गल दिल तो निकलती दिल से लगी मस्तूर का दिल का वैन पंचायत का सरदार उठा सकता है कौन रोनी उन्हें आखिया जी मरण वाले की बहन उसके ज्यादा की जिदा नुकसान होना तो बारो बार सुना फिक्र रो जाओ जी मैं कोनी जो सुना कर रुक जाओ रुक जाओ मैं उन्होंने पूछ चला गया बुजुर्ग आदमी अगे वेख्या तो दीवार खुले मिट्टिया से बैठी सर से हथ रखा जाए मेरा पुत्र नुकसान जरा तेरा होया किसी का भी नहीं होया माफ करी तेरे बारो बार सुना फिक्र दिया मैं पता ही कोई नहीं वो बहन तेरा सब से वाला नुकसान है तेरा वो नुकसान है जरा जिंदगी पूरा नहीं हो बेटा तेरे दुखा शामिल आना को गलती ना होया वो दियां भैं लैके आ गए वो माफी भी मंगते हैं रिश्ता भी देते हैं जे तू भी मेहरबानी करें तो सुलो लिख दी है उस आख्या मर्दों की गल है थोड़ा सुलो हो गई होगी अगर मैं गरीब मस्कीन तू पूछे एक मेरी तरफ शर्त रखी सुलो कि उस आख्या मैं इस घर की गई हूं धियां मेहमान आदि ने पेके बोले जिथे मेरा रिश्ता करेंगे कल परसों तरसों मेरी डोली उछलेगी एक ही मेरी मिन्नत है जब तक मैं पेके बुए के जिंदा
मेरे फिरा का कातल भुल के भी मेरी गली चला सुनिया भैणा मर जांदियां ने मेरा दा कातल नहीं वेख सकदियां तू मुसलमान ने मैं सैयदा लया कुरान रख ले मेरे सर ते करबला तू ले के शाम तई सजे वे दी आई ता फिरा दे का पहली वारी बोल क्या दिए ओ शिमर मिन इस बाजार जो ना गुजार मैं तनजिया कह का मार पिया गए टुर गए जिदे मान कर दिया अज तो प्यो दी शाजादी बन के नहीं आई साड़ी कैदन बन के आई मैं इसे बाजार जो गुजार मैं ठंडा सा हर क्या दिए मेरा रह जो कोई नहीं गया ओ शिमर मैं बाबे नाल कदी गाई बोल बाबा मेरा लह जा सुन लाल सिख सा टुर गया दुनिया मैं कदी ना तेरे नाल बोल दी अठत्ती हिजरी आई इसे शहर में शहजादी बन के रही हैं 1500 औरतों ने जिन्होंने मैं नाने का दीन सिखाया ओ उस्ताद मरण तू पहले मर वैंदे ने जिन्होंने शागिर्दां दे बुआ तू हाथ बन के नंगे सर गुजारिया जा इत्थे मैं शहजादी बन के रही हैं मेहरबानी कर एक चादर दे बाजार अबोर करके मैं बाबा वापिस दे छुड़े सा ताना मार के आंदा तेरी आंदी लुट्टण दी केड़ी लोड़ आ ज़हनी चिगल रखी ना मैं मुसाइब पे पढ़ बर्शियां दी भी नहीं तेरे मोहम्मद मुस्तफा दी बेटी आ हसना चाहे तेरा लके हसने आ रोना चाहे तेरा लके रोने नुकसान ना मौलवियां दे ना जाकिरां दे मैं हुजरे दे चोर दे बेड़ा उजड़ के पाक रसूल इन्हें रोल के यानी सही जानी मौलवी दिया ते घर बैठे यानी जड़ा दे रोना गुनाए पिटना जंग दे इलाके दो दिन का जलसा है पहले दिन दे जलसे दा आखरी दी गरेले वारा आगा साफ पढ़ दिया यो जुमला उन्हें पढ़िया जिना मैं पढ़िया मोहम्मद दी चादर मंग मजलस पहली बारी सुनन आया सयाल कौम दा जिम्मेदार बंदा ऐ जे सुनत नाल तलक दोस्त नाल मजलो सुनन आ गयो पहली बारी मजलो सुनी ते सुनिया मोहम्मद दी घी चादर मंगदी शिया मैं करो मेरे ओ सुन्नी मोहम्मद खलो क्या दा ओ सैयदा दा दस किन्ना तू मंगदी आई फरमाया मुसलमान आ हैरान हो क्या खल लगा कि ओ जे मुसलमान आ चादर भी मोहम्मद दी घी दे लुटदे आ कदमा वे ओदे नामे दा उसले बंदे पका बंदे पग नु इज्जत समझा जाने पग ला के सर छोड़ पैर जुतियां कोई चादर जे प्यो ते दैन कर दियो मैं मरदिया ते तुहाडा मकरूज कर दे दे दरा सा मेरे सरा दी चादर नहीं मैनू जेवर लहा दे
ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨੇ ਬੁਰੇ ਆਲੇ ਆਲੇ ਧੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੇ ਵੱਲਾ ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ 40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਦੌਰਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਚਾਦਰਾਂ ਬਣਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਟੋ ਗਿਆ ਗੱਲੜੀਆਂ ਛਵਾ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਆਇਆ ਸ਼ੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜਲਿਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਮੋਮਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਏ ਬਾਰਗਾ ਖਾਲੀ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਮ ਤਲੇ ਚਾਦਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਟੁਰ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਲਮ ਨੱਪ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਦਨ ਜ਼ੈਨਬ ਮੰਗਦੀ ਰਹੀ ਆਈ ਆਈ ਹਯਾ ਕਰੋ